चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में हुई इसकी स्थापना, लखनऊ में हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगाए लगान निर्धारण तथा तो उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये था रॉलेट एक्ट का लागू होना। अगला है, हार्डिंग बम कांड का नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला है, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोही के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। अगला है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आर सी दत्ता। अगला है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल साहेब बहादुर मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हड़सन ने। अगला है, वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? एम एन राय। अगला है, भारत में थियोसिफिकल सोसाइटी की का मुख्यालय कहाँ था? उड़ियार में। अगला है, बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में। अगला क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस बोस ने घोष ने। याद रखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम और नरम दलों में हुआ था सूरत अधिवेशन में, वो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी बोस ने घोष ने। अगला है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? नवाब सिराजुद्दौला। अगला है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय क्या किया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता निर्भरता से राष्ट्र को वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? ये थी हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, ठीक उसी समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्र राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरेली ने। अगला है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्हें त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? भारतीय देशी राज्यों के से संबंध। अगला है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? अंग्रेजी भाषा में। अगला है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? ये था लॉर्ड डलहौजी।
अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिंदा विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब यह हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? क्रमशः 71 और 147। अगला, बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? फ्यूरोज। अगला है, किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही कि एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। अगला, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध हुए आंदोलन के समय। अगला, किप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? महात्मा गांधी ने। अगला, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब बिस्वा ने। अगला, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। अगला है, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिन लेथगो ने। अगला है, गांधी जी के विरोध में के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 में। अगला क्वेश्चन है, सी आर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे वी कृपलानी। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। अगला है, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है, 1909 में घोषित संविधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ली मिंटो सुधार के नाम से। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? इलाहाबाद 1888 में। अगला है, 20वीं शताब्दी में के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहन तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई है। टिप्पणी के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तेयव जी, सी आर दास। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा विकसित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। अगला है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद। अगला है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के विरोध विद्रोही नेता रानी गाइडेलिउ कहाँ की थी? नागालैंड की।
अगला है गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। अगला क्वेश्चन है 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पद लौटा दिए थे? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहां पर एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए।